ब्रह्मांडपुर नाम के एक गांव में ची बैल और नौ बैल नाम के दो पड़ोसी रहते हैं। ची बैल बहुत ही अच्छे स्वभाव का है और गांव में हर किसी की मदद करता है, इसलिए सब ची बैल की इज्जत करते हैं। वो सब सामान घर भेजने की क्या जरूरत थी बल्लू? अरे ची, बिना कुछ कहे तुमने मेरी इतनी मदद की थी। अगर मैंने इतना भी नहीं किया तो कैसा दोस्त कहलाऊंगा मैं? दूसरी ओर नोबेल बहुत ही कंजूस था और कभी भी किसी की मदद नहीं करता है, इसलिए कोई भी नोबेल की इज्जत नहीं करता है। लेकिन नोबेल को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, उसे सिर्फ इस बात से दिक्कत थी कि लोग ची बैल को इतना क्यों पसंद करते हैं। ऐसे नोबेल हमेशा अपने पड़ोसी ची बैल से जलता है और अपना गुस्सा कम करने के लिए हर रोज सुबह चुपके से ची बैल के घर में कचरा डालता है। एक दिन उसकी ये हरकत ची बैल देख लेता है। ये क्या कर रही हो नौ तुम? मेरे घर में अपने घर के साफ किया हुआ कचरा क्यों डाल रहे हो? क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, हर वक्त झूठा दिखावा करते रहते हो। दोंगी कही क्या? ऐसे बहुत ही बुरी तरह से कहते हुए नौ बैल वहाँ से चला जाता है। ची बैल भी उसे कुछ नहीं कहता है, सिर्फ मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता है। एक दिन ऐसे ही गांव में एक बहुत बड़ा धनवान आता है ची बैल को ढूंढते हुए, और वो सीधे जाकर नौ बैल से ही पता पूछता है। मैं एक ची नाम का व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ, क्या आप जानते हो वो कहाँ पर रहता है? मुझे उनसे एक बहुत बड़ा व्यापार करना है। वो बात सुनते ही नौ बैल ये सोचने लगता है कि व्यापार तो वो भी करता है, तो इस बड़े से व्यापारी को ऐसे ही उस ची बैल के घर बेचकर खुद का ही नुकसान क्यों करना? वो तो कुछ दिन के लिए गांव से बाहर गए हैं। कोई बात नहीं, आप कुछ देर के लिए हमारे घर में रह सकते हो। तुम तो भले व्यक्ति लगते हो, इतनी दूर आ ही गया हूँ तो कुछ देर रुक ही जाता हूँ। ऐसे नौ बैल उस धनवान को अपनी अच्छी अच्छी बातें सुनाकर उसके साथ व्यापार करने के लिए मना लेता है। ठीक है कहकर वो धनवान वहाँ से चला जाता है और जाते जाते ची बैल से मिलने के लिए दोबारा आऊंगा कहकर जाता है। इतने बात करके इतना मनाने पर ये व्यक्ति ची से क्यों मिलना चाहता है? ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। ऐसे कंजूसी और धोखे वाले काम करने से किसी का भी भला नहीं होता है। मैं आपको बदलने के लिए कई कह कर थक गई हूँ। उम्मीद करती हूँ अब जो कर रहे हो उससे आपको अकल जरूर आएगी। मैं यहाँ पर परेशान हो रहा हूँ और तुम मुझे बातें सुना रही हो? जाओ जाकर अपना काम करो, मैंने तुमसे सलाह नहीं मांगी है। इतना बड़ा व्यापारी हाथ से निकल जाने के डर से नौ बैल हर वक्त परेशान रहने लगता है और उसे ची बैल कुछ भी करने पर ऐसे लगता है कि वो जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए कर रहा है। बात क्या है, बार बार मुझे क्यों देख रहे हो? तुम्हें कुछ चाहिए या पहली बार देख रहे हो मुझे? क्या बात है नाव,
तुम किसी बात से परेशान हो या कहीं का गुस्सा मुझ पर निकलना चाहते हो? ऐसी कोई बात नहीं है ची भाई साहब। इन्होंने कुछ दिनों पहले एक बहुत ही शर्मनाक काम किया था। अब इस बात से डर रहे हैं कि कहीं इनका बंधन ना फूट जाए। ऐसे कहते हुए नोबेल की पत्नी चीबेल को सारी बात बता देती है। वो बात सुनकर चीबेल हंसने लगता है। वो देखकर नोबेल को और भी गुस्सा आता है और वो ऐसे कहता है, इस महारानी ने सारी बात दी है और अब तुम जाकर ये बात उस व्यापार को बता दोगे। मेरी तो किस्मत ही खराब है। ऐसा मत कहो मेरे नादान पड़ोसी। मेरे होते हुए तुम्हारी किस्मत कैसे खराब हो सकती है? ऐसे कहते हुए चीबेल कहता है कि वो व्यापारी उसके बचपन का बहुत अच्छा दोस्त है और उसने अपने दोस्त को नोबेल से ही व्यापार करने के लिए बुलाया था, लेकिन उसने ये काम चीबेल के बिना ही कर लिया कहता है। मैं तो हर वक्त तुम्हें तरह तरह के बातें करता रहता हूँ, फिर भी तुम अपने दोस्त से मेरे बारे में सब अच्छे बातें बताकर मेरे साथ व्यापार करने को कहा, लेकिन क्यों? तुम जो भी बातें करते हो सीधे मुझसे कहते हो, किसी और के सामने कुछ नहीं कहते हो, तो मैं क्यों तुम्हारे बारे में गलत कहूंगा दोस्त? और ये बात सभी जानते हैं कि तुमसे अच्छा व्यापारी कोई और नहीं है। वो बातें सुनने के बाद नोबेल को खुद पर शर्म आती है और जैसे कि उसकी पत्नी ने कहा था, इस काम के बाद वो अपने आप को पूरी तरह से बदल कर सबके साथ अच्छे से रहता है। Bye.